भूख तो लगी है, लेकिन इसके साथ प्लेट नहीं शेयर करूंगा मैं। मेरी तो भूख की मर गई है, और जो थोड़ी बहुत बची भी थी वो इसकी सड़ी शक्ल देखकर दोबारा ते मर गई। सुने ना, जी तो थाली को हाथ भी नहीं लगा रहे। चाची जी, आप ही ना टेंशन में रसम ही भूल गई हो। ये दोनों अपने आप थोड़ी ना खाने वाले हैं, मतलब ये दोनों खुद थोड़ी ना खाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे। मीत जी, मेरा मतलब है कि देवरानी मीत, पहले आप खिलाइए मीत देवर जी को। हालत तो देखिए। मैं जानता हूं ये तकलीफ में है, लेकिन देखना ये है कि मीत की ये मीत ऐसे में क्या कमाल करती है। शहद है, दवा का काम करेगा। खा ले। मैं बस यही देखना चाहता था रागिनी, कि जिंदगी में आई हुई ऐसी मुश्किलों में हमारी बहू मीत का ख्याल रख पाती है या नहीं।